हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लास। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दो पोषण योजनाओं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन को आपूर्ति करने का इरादा है। इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं या माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। इस योजना का लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है, और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फील्ड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की दो इकाइयों का उद्घाटन भी करेंगे। PMMSY देश में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश करना का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अब इसे श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली पहले क्या नाम था, हुबली, उसके बाद रखा गया हुबली किया गया था। श्री सिद्धरूदा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वो BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काफी ज्यादा काम भी किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका पूर्व नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है, और इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDCs
लॉन्च किया है। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नामक एक नई करेंसी लॉन्च की है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक्स और तकनीकी तथा सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित भी किया है। इसके अलावा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय बैंकों को CBDC पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण करके CBDC के लिए उपयोग के मामलों और प्रशिक्षण रोल आउट रणनीतियों का मूल्यांकन करने भी सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जिसका पूर्व नाम था MHRD मंत्रालय, अब MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और इसी शिक्षा मंत्रालय ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन स्टार्ट किया है। हाल ही में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पर 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित भी किया है। इस कॉन्क्लेव में 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अन्य विषय जिन पर विचार विमर्श किया गया है वह हैं जैसे कला एकीकृत और खिलौना एकीकृत विषय छात्र, इसके अलावा प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था देखभाल और शिक्षा मातृभाषा में शिक्षण और कोई कठोर अलगाव नहीं। ये कुछ अन्य विषय हैं जिन पर इस बार होने वाले 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के 2 दिवसीय ई सम्मेलन पर विचार विमर्श किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अभी हाल ही में क्रिसिल ने एक आंकड़ा जारी किया और क्रिसिल के द्वारा जारी किए गए आंकड़े में 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर -9 रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा क्रिसिल ने COVID-19 महामारी के कारण अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित भी किया है। इसके अलावा क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP में 10% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान क्रिसिल ने भारतीय GDP में सालाना 6.2% की वृद्धि का अनुमान भी जताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम वुसू वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दर्ज हुआ है। तो अभी हाल ही में पूनम खत्री के नाम वुसू वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब दर्ज हुआ है। हाल ही में भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुसू विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब को हासिल कर लिया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को गोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुसू एसोसिएशन के महासचिव सुहैल अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की है। अब अंतर्राष्ट्रीय वुसू फेडरेशन, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वुसू फेडरेशन का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और अंतर्राष्ट्रीय वुसू फेडरेशन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं झोगेन गा। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा,
आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई वो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।